में लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है और इसके बाद प्रशासन अब सड़कों पर उतरा है। सार्वजनिक स्थलों पर जो बैनर्स पोस्टर्स राजनीतिक दलों के लगे हुए हैं, जहां सड़कें अटी पड़ी हैं, इनसे अब उन्हें हटाने का काम शुरू हो गया है। शाजापुर और जबलपुर में भी निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद ही नगर पालिका का अमला विभिन्न इलाकों में पहुंचा और सभी जगह लगे राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर फ्लैक्स को हटा दिया गया। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, देखिए, ये प्रशासन की एक जिम्मेदारी हो जाती है और ये ड्यूटी निभाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि पूरी गलियों में, शहर के चौक चौराहों पर जो पोस्टर्स बैनर्स फ्लैक्सेस सब लगे हुए हैं, ये हटाना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत ज़रूरी हो जाता है और इसे अब प्रशासन के द्वारा हटाया जा रहा है। और आपको बता दें कि इस जिम्मेदारी को निभाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। हालांकि निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से ही ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और बैनर्स पोस्टर्स हटाने का काम लगातार अभी किया जाता रहेगा और इलेक्शन तक इसे मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, योजनाओं के पोस्टर्स हटाने के काम शुरू हो चुके, तारीखों का ऐलान कर दिया गया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीखें अब सामने आ चुकी हैं और जिस तरीके से नगर पालिका यहाँ पर जो है अपने काम को करता हुआ नजर आ रहा है, वो भी देखा जा सकता है कि पोस्टर्स हटाए जा रहे हैं अब, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल राजनीतिक पोस्टर आप अब नहीं देख पाएंगे अपने इलाके में। लोकसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ये हटाने का कार्य देखा गया। तो लोकसभा चुनाव के ऐलान होते ही प्रशासन अलर्ट हो गया है। सड़कों पर लगे राजनीतिक दलों के पोस्टर्स, योजनाओं के पोस्टर्स को हटाने का काम